सेकंड और थर्ड ओके एंड चैप्टर 1 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो स्टूडेंट्स मैं आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का डिस्कस मैं कर चुकी हूं एंड नाउ माय टुडे इज माय टॉपिक लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप ओके. सो विद टाइम ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. टाइम के साथ-साथ लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं. जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना ऐसे लिविंग थिंग्स भी बढ़ते हैं. दे चेंज देयर वे चेंज होते हैं यानी कि बदलते हैं. देयर मींस उनके शेप मींस आकार एंड साइज मींस रूप. व्हाइल ग्रोइंग जब वो ग्रो करते हैं दे चेंज देयर शेप एंड साइज. दे चेंज देयर शेप एंड साइज व्हाइल ग्रोइंग. जब वो ग्रो करते हैं तो समय के साथ वो भी चेंज होते हैं. टाइम के साथ जब वो ग्रो करते हैं तो उनका शेप एंड साइज भी चेंज होता है ओके. फॉर एग्जांपल अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट विच कंटिन्यू टू ग्रो इनटू अ प्लांट ओके. अ सीड ग्रोज सीड मींस होता है बीज. बीज जब ग्रो करता है ग्रो मींस होता है बढ़ता है ओके. तो जब बीज ग्रो करता है इनटू अ बेबी प्लांट एक बेबी प्लांट से विच कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू अ प्लांट. जो वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है ग्रो करता रहता है एक प्लांट के रूप में जब वो बन जाता है. पहले तो वो छोटा होता है. अच्छा आपने देखा होगा आपके जो आसपास एरिया में या आपने कभी कोई प्लांटिंग की हो कभी कोई प्लांट लगाया छोटा सा प्लांट होता है. आप तुलसी का ही ले लो. आपके घर में तुलसी तो लगी होगी. मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के यहाँ तुलसी का प्लांट तो लगाया रहता होगा. तो जब वो प्लांट लगाते हैं तो बड़ा छोटा सा होता है. उसमें सीड पहले डालते हैं सीड से फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है. आपने देखा होगा इतना छोटा होता है प्लांट और फिर धीरे धीरे जब टाइम के साथ सब ग्रो करता रहता है फिर वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है ना. एंड मैंगो ट्री है नीम ट्री है इतने सारे ट्री हैं. आपने देखोगे ये बिल्कुल छोटे होते हैं बच्चे के रूप में होते हैं और फिर धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं. एंड जो क्रॉप्स होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं. बहुत छोटी होती हैं पहले सीड डालते हैं फिर वो रूट उनका बन जाता है फिर वो धीरे धीरे स्टेम के थ्रू ग्रो करते रहते हैं ओके. एंड A duckling hatches out of an egg and grow into a duck. Okay, a duckling hatches. जो duck होती है, duck जो egg देती है, उसमें से egg जो होता है, उसमें से छोटा सा baby निकलता है, बिल्कुल छोटा सा. And फिर वो बड़ा हो जाता है, एकदम बच्चा बन जाता है. फिर बच्चे के साथ बच्चे जब बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे से भी ज़्यादा grow करता है, तो फिर वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, big हो जाता है. एंड अ पप्पी ग्रो एक पप्पी जो भी डॉग से ग्रो